भारत की दो स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन में अब तक बेहतर सेफ्टी नतीजे देखने को मिले हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में दी। लोकसभा में अश्विनी चौबे ने कहा कि पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण में भारत बायोटेक द्वारा भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर तैयार की जा रहा टीका और कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा टीका दोनों सुरक्षित रहे और अब उनकी परिरक्षा क्षमता का परीक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन टीकों के दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण चालू है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि अगर कोविड-19 के टीके के क्लिनिकल परीक्षण सफल होते हैं तो एक प्रभावी टीका 2021 की पहली तिमाही के अंत तक उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि किसी टीका निर्माता के साथ कोई पूर्व खरीद समझौता नहीं किया गया है। अश्विनी चौबे ने रघुराम कृष्ण राजू के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 8 बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना देश को भावी महामारियों के लिए तैयार करने हेतु जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में निवेश बढ़ाने संबंधित सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय वित्त समिति प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 के टीके के विकास के लिए सहयोग की संभावना तलाशने को लेकर रूस की सरकार के साथ बातचीत की जा रही है। चौबे ने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सूचित किया है कि रूस में कोरोना वायरस का एक टीका विकसित किया गया है और उसे मंजूरी मिली है। मंत्री के मुताबिक ICMR ने भी यह सूचित किया है कि दुनिया भर में 36 टीकों पर काम चल रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।